एक और दर्शक हमारे साथ हैं, डॉक्टर जय शर्मा ने हमें कॉल किया है। शर्मा जी, सवाल कर सकते हैं आप। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी आदर। डॉक्टर साहब मेरी ये प्रॉब्लम है कि मुझे हमेशा बॉडी पेन रहता है, हमेशा बॉडी में दर्द रहता है जी, और जैसे घुटनों में है उसमें भी प्रॉब्लम रहती है, इलाज भी बहुत अच्छा करवाया जी। एज बता दीजिए अपनी। सर मेरी 39 एज है। बहुत कम उम्र में आपको ये परेशानी शुरू हुई। अच्छा देखिए, ज़रा सा संयम रखना। यूनानी एक ऐसा इलाज है जो 8-10 दिन के बाद फ़ायदा शुरू करता है। जैसे अभी एक फ़ोन आया था तो उन्होंने 8 दिन दवा खाई और कह रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो आपको 2-3 महीने इलाज करना है, ये याद रखें। और 8-10 दिन कुछ शिकायत ना करें, चाहे आपको पहले ही फ़ायदा हो जाए, किसी किसी को पहले भी फ़ायदा शुरू हो जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ 8-10 दिन मुझसे कुछ ना कहें। तो एक गोंद आता है, गोंद स्याह, काला गोंद कहते हैं, ये असली ले लीजिए, आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाइए, और अगर एक महीने में भी फ़ायदा हो जाए तो 2-3-4 महीने खाएं, या फिर कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, सुबह शाम पानी के साथ, दूध के साथ, जूस के साथ, जैसे आपके हालात हैं आप लिया ले लीजिए, लेकिन 8-10 दिन सबर करना, मुझसे कुछ मत कहना। आप एक महीना खाएंगे फिर उसके बाद आप कुछ कहने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको इतना फ़ायदा हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, और साथ ही आपने तमाम दर्शकों के लिए ये भी बता दें कि यूनानी पद्धति की जो दवाएं हैं थोड़ा सा समय लेती हैं, लेकिन बीमारी को जड़ से समाप्त करने की कुव्वत वो रखती हैं। एक और दर्शक हैं निर्मल जी ने हमें कॉल किया है करनाल से, उनसे हम बातचीत करते हैं। निर्मल जी बताएं आपके साथ क्या परेशानी है। मेरी एक तो परेशानी है कि बाई टांग में हिप से लेकर पैर तक दर्द रहता है जी। दूसरा है कानों से बहुत कम सुनाई देता है, और पेट भी जो है ना खराब रहता है, सुबह 4-5 बार फ्रेश डाना पड़ता है तब फ्रेश। उम्र कितनी है आपकी? 73। 73 जी। हाँ जी। अच्छा देखिए, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके घर में अगर ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है तो लगवा लीजिए, कुर्सी वाला बाथरूम, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आपको ठीक होना है। दूसरा ये कि आपके तीनों रोग एक ही दवा से ठीक हो सकते हैं, और वो दवा समझ लीजिए क्या है, और खूब गौर से समझ लीजिए, गलती मत करना। 500 ग्राम आप लीजिए मेथी का दाना 500 ग्राम, इसको पाउडर बनाएं घर पर और इसे अलग रखें, और 100 ग्राम या 200 ग्राम आप गोंद स्याह खरीद लें, काला गोंद को कहते हैं गोंद स्याह, और इसको पाउडर करके अलग रख लें, ठीक है। सुबह को नाश्ता करें, एक चम्मच मेथी पाउडर और ये दो चुटकी इसमें गोंद स्याह का पाउडर मिला के खा लिया करें, ये अलग अलग ही रखें, या आधा ग्राम समझ लें कौन से या खा लिया करें, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते, बहुत तेज़ होता है ये, सुबह और रात को ऐसा करना शुरू करें, और ये 100-200 ग्राम कौन से या ख़त्म होने से पहले आपका तीनों रोगों का इलाज मुमकिन है। जी एक और दर्शक जुड़ गए हैं, सतीश जी ने हमें कॉल किया है उत्तर प्रदेश से। सतीश जी क्या परेशानी है आपके साथ? वो अभी हकीम जी ने बताया जैतून का सिरका तो वो अवेलेबल तो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए जैतून का सिरका बड़े दुकानदार रखते हैं, जो हिंदुस्तान के बड़े दुकानदार हैं वो रखते हैं, या फिर कहीं भी नहीं मिले तो हमारे हेल्पलाइन नंबर से भी आप मदद मांग सकते हैं, कहाँ मिलेगा, कितने का मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपकी हमारी सेवा भी ले सकते हैं आप इस बारे में, और लेकिन मिल जाएगा, मुश्किल से मिलता है, बहुत डिमांड होती है इसकी, बड़े दुकानदारों के पास मिलेगा या हमारी हेल्पलाइन नंबर से मदद ले सकते हैं।
जी हाँ, वाकई में तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और जैसे कि लगातार जानकारी कार्यक्रम के दौरान भी हम बताते हैं कि अगर आपकी कोई परेशानी है, कोई दवा को लेकर क्वेश्चन है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। ओम प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी परेशानी क्या है, किस तरह की बीमारी से वो जूझ रहे हैं, आइए जान लेते हैं। ओम प्रकाश जी बताइए। हाँ सर, मेरे को मेरे बच्चे को है जी, 6-7 साल का है, वो पेशाब हो जाता है, बिस्तर में पेशाब करता है, ठीक है। अच्छा देखिए, कुछ परसेंट बच्चे बिस्तर में पेशाब करते हैं, और इसमें टाइम बहुत लगता है। आपको मैं दो चीज़ें बताता हूँ। देखिए, अखरोट लें और छिलावा ना लें। अखरोट लीजिए आप, बंद अखरोट, और अपने हाथ से तोड़ के रोज़ाना 2 अखरोट और 10 किशमिश बच्चे को रोज़ खिलाया करिए रात को सोते समय। या फिर माजून अखरोट प्राश आती है एक दवा, माजून अखरोट प्राश, वो भी आधा आधा चम्मच खिला सकते हैं दिन में 2 बार, तो इससे भी फ़ायदा मुमकिन, लेकिन काफ़ी वक्त लगता है, आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जी, अमूमन कितनी उम्र तक ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बिस्तर गीला करते हैं? देखिए, 0.50% बच्चे हैं ऐसे जो 7 साल तक पेशाब करते हैं जी, और 99% बच्चे तो पेशाब करते ही नहीं। 0.99% बच्चे 14-15 साल तक भी पेशाब कर देते हैं, और उनकी परवरिश पर बात है, किस तरह से परवरिश की है। कभी कभी परवरिश की गलती से भी पेशाब हो जाता है जी। अगर बच्चा डरपोक हो, और मतलब आँख तो खुल गई उसकी पेशाब के लिए, लेकिन वो आँखें नहीं खोलता, मम्मी से नहीं कहता, तो डर की वजह से भी पेशाब निकल जाता है जी। जेंडर का भी कोई फर्क होता है कि ज़्यादातर बच्चियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा बिस्तर गीला करती हैं, या जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा गीला करते हैं, इस तरह का भी कुछ जेंडर की समस्या है क्या इसमें? नहीं, ज़्यादातर तो नर बच्चे बिस्तर गीला करते हैं, बालक, और लड़कियां में ये रोग बहुत कम पाया जाता है, होता है लेकिन बहुत कम पाया जाता है जी। वाकई में, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, चर्चा को जारी रखेंगे। हेलो, नमस्कार जी, नाम बताएं। जी स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल कर सकते हैं आप। हेलो, सवाल करें। जी जी पूछिए। हेलो, सवाल करें, प्रश्न करें आप। मेरे पाँव के नर्स, आपके पाँव में नर्स खुल जाती है, मेरी हरा काला दिखता है नर्स, पाँव का नर्स जी। उम्र कितनी है आपकी? 55। और नसें फूल जाती हैं पैरों की? हाँ, पैरों की नसें ये काला काला दिखता है पूरा जी, ये हरा दिखता है। हेलो, ठीक है मैं समझ गया। देखिए, अब मेहनत कुछ कम कर दीजिए जब तक इलाज चले, वज़न नहीं उठाएं, और वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करें, वेस्टर्न टॉयलेट मतलब कुर्सी वाला, और या तो कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, सुबह शाम खाएं, खाने के बाद दूध पानी या जूस से, जैसे आपके हालात हो, या फिर गौंसिया अगर असली मिल जाता है तो 100 ग्राम खरीद लें, और आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाने के बाद पानी से, बगैर चर्बी के दूध से या जूस से लेना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जी। हकीम साहब, ये बात कही जाती है कि नस अगर दब जाए तो उसे दोबारा से उसकी स्थिति में लाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, थोड़ा इस विषय में बताएं आप हमें। देखिए, हमारी क्योंकि इस कदर नसें हैं, जैसे आपको बताया था कि इतनी नसें हैं इंसान के जिस्म में कि पूरी दुनिया पर लपेटे जा सके जी। तो रगें ही रगें हैं, और दिमाग तो पूरा रगों से ही भरा हुआ है, नसों से भरा हुआ, तो ये सब दबी ही रहती हैं। जैसे आप बैठे हैं तो आपकी हजारों लाखों नसें दबी हुई हैं, और मेरी भी दबी हुई हैं जी, जो हिप से होकर गुजर रही हैं। तो
नसों का काम तो दबना है, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग बैठते हैं तो उनके पैर सुन हो जाते हैं, बिल्कुल, और तो कुछ लोग बैठते हैं तो उनके पैर सुन नहीं होते। वजह यह है कि नसों में ताकत नहीं होती, स्ट्रेंथ नहीं होती, और नसों को स्ट्रेंथ चाहिए। नसों का काम तो दबना है। अगर मैंने अपने हाथ यहाँ पर रखा हुआ है तो आपकी हाथों की सैकड़ों नसें यहाँ दब रही हैं, अगर आप बैठे हैं तो आपके थाइस की, हिप की बहुत लाखों नसें दब रही हैं, लेकिन आप नॉर्मल बैठ के बात करते हैं, आप किसी की नर्व दब जाए तो उधर चिल्लाने लगेगा, बिल्कुल। तो नसों में स्ट्रेंथ चाहिए, तो स्ट्रेंथ देने वाली चीज़ें मैं अक्सर बताता हूँ, एक गौंसिया है जो नसों को स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है, और खून को पास होने देता है, खून को पतला करता है, ताकि खून पतला होता है तो आसानी से कोई भी पानी हो या खून हो, पतला होता है तो आसानी से बहता है, गाढ़ा होता है तो मुश्किल से बहता है। तो नसों का काम दबना है और उनमें स्ट्रेंथ होना जरूरी है। जी वाकई में। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीतापुर से हमें कॉल किया है मंजू जी ने। मंजू जी स्वागत है कार्यक्रम में, क्या प्रश्न करना चाहती हैं आप? सर मेरे आंख के नीचे झाइयां हो गई हैं जी, और काली नहीं है, ऐसे फूला फूला है, दवा खाई है तो पड़ गई, उसके लिए कोई दवा बताइए जी। और दूसरी बात ये, हमारे बाल बहुत झड़ते हैं, पैंतालीस साल बाल झड़ते हैं, झाइयां हो गई हैं, दो समस्याएं हैं। अच्छा देखिए, आंख के नीचे अगर फूला फूला यहाँ पर लगे किसी को, ये दोनों आंखों के नीचे फूला फूला आप कह रही हैं, तो अगर फूला फूला है तो आप ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं। जिसके भी आंख के नीचे फूला फूला हो उसको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। और अगर सिर्फ झाइयाँ हैं जैसे आप कह रही हैं, तो इसका इलाज बहुत आसान है। झाइयों का इलाज, ये जो आपका गौन मोरिंगा सफ़ेद आता है, गौन मोरिंगा सफ़ेद, सफ़ेद वाला लेना, लाल मत लीजिएगा, लाल वाला नकली होता है। गौन मोरिंगा सफ़ेद आधा ग्राम लें और एक नारियल पानी में मिला के रोज़ पी लिया करें, आपके बालों पर भी बाहर आ जाएगी और आपके ये परेशानी भी ठीक होना मुमकिन है। जी एक और दर्शक हैं, वेद प्रकाश शर्मा जी ने हमें कॉल किया है। वेद जी अपना सवाल आप कर सकते हैं। जी मैं दवाई मंगवाया था दर्द के लिए, कमर पीठ गर्दन और कंधा में दर्द रहता है जी, और दाहिना हाथ में झंझनाहट रहती है। उम्र कितनी है आपकी वेद प्रकाश जी? 69 ईयर्स जी। हाँ, तो उसके लिए मैं दवा मंगवाया था गौंसिया, एक महीना से खा रहा हूँ जी, तो अभी तक कोई फायदा नजर नहीं आया है, और पेट की गड़बड़ी था उसके लिए मैं जब जैतून का सिरका भी मंगवाया जी। तो मेरा सवाल था कि जैसे जैतून का सिरका दर्द के कारण मैं ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ गौंसिया के साथ जी? अच्छा पहले तो ये बताइए कि आप एक महीने से दवा खा रहे हैं, आपका दर्द बढ़ा था क्या? आपका दर्द बढ़ा था क्या? हाँ हाँ बढ़ा है। हाँ हाँ। अच्छा आपके पास ये वेस्टर्न टॉयलेट है, ये ऐसा कुर्सी वाला? आप मेरी बात का जवाब दीजिए। है बहुत अच्छा। अच्छा वो दवा छूट गई आपकी जो दर्द की दवा पहले खाते थे या खाते हैं अभी? दर्द की दवा तो अभी चल रहा है, 150 ग्राम मंगवाया था मैंने। नहीं जो इंग्लिश दवा खाते थे वो अभी खाते हैं आप? अंग्रेजी दवा नहीं खा रहा हूँ, आप ही का खाली खा रहा हूँ। ठीक है। अरे कभी जरूरत पड़े तो वो भी ले सकते हैं, और जिसने भी जो भी ये दवा इस्तेमाल करता है उसको अंग्रेजी दवा की ज़रूरत पड़े तो ले सकते हैं। होता क्या है कि हमारी अंग्रेजी दवा छूट जाती है, और उससे फिर छूट गई तो समझ लीजिए फ़ायदा है। अगर आपने अंग्रेजी दवा नहीं खाई और यही खा रहे हैं तो हो सकता है बढ़ावा हो दर्द, लेकिन वो अंग्रेजी दवा का असर कम हो गया। कभी ज़रूरत पड़े तो ले भी सकते हैं, लेकिन अगर वो छूट गई है तो ये फ़ायदा है। लेकिन जितना भी आपने गौन लिया है
ये ख़त्म होने से पहले आपका ठीक होना मुमकिन है, सब्र ऐसी करें। फ़ायदा है आपको, अंग्रेज़ी दवा छूट चुकी है आपकी। और वो आपने सवाल किया कि आप वो सिरका ले सकते हैं कि नहीं, अगर आपको ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं।